राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष एम वेंकटेशन शुक्रवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर आए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष एम वेंकटेशन ने कलेक्ट्रेट सभागार में बाड़मेर में संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक ली। सफाई आयोग अध्यक्ष ने सफाई कर्मियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं भी सुनी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष एम वेंकटेशन शुक्रवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर पहुंचे। सफाई आयोग अध्यक्ष ने सफाई कर्मियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं भी सुनी। बाड़मेर पहुंचने पर सफाई कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तत्पश्चात एम वेंकटेशन बाड़मेर शहर में रहने वाले सफाई कर्मचारियों के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों के आवास देखे। साथ ही उनसे बातचीत कर उनके रोजगार, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने समेत अन्य जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात एम वेंकटेशन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक देकर सफाई कर्मियों की सुरक्षा व समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के प्रारंभ में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, बाड़मेर उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड सहित जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों एवं सफाई कर्मचारियों ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन का माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन ने सफाई कर्मियों की विभिन्न समस्याओं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हुए उनके समाधान को लेकर तय समय सीमा में समस्याओं के निस्तारण की बात कही। उन्होंने सफाई कर्मियों को मिलने वाले वेतन, वर्दी, सुरक्षा उपकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए नगरीय निकायों के अधिकारियों को सफाई कर्मियों के ईपीएफ नंबर देने, पीएम सुरक्षा योजना तथा दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित करने के निर्देश दिए। मैंने आया यहाँ घर देखने के लिए, रोड देखने के लिए, या बिजली, पानी, नाली देखने के लिए आया। यहाँ पूरा वाल्मीकि समाज रहा है, वो पूरा वाल्मीकि समाज बात किया, मेरे पास कंप्लेंट किया। वो नाली बागर आता है, रोड सही नहीं है। दूसरा नौकरी पूछ रहे हैं, परमानेंट नौकरी। सो नौकरी के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करना चाहिए। सो हम रिकमेंड करूँगा बात में। एक्चुअली कमीशन का प्रोसेस ना कैसा होगा, सो रिव्यू मीटिंग ओनली। सफाई कर्मचारी कितना रुपये सैलरी मिल रहे, पीएफ मिल रहे या नहीं मिल रहे, ईएसआई मिल रहे या नहीं मिल रहे, क्या कितना कॉमन स्ट्रेट ग्राउंड हो गया, ये प्रोसेसिंग के लिए आया है। बैठक में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए प्रशासन द्वारा सफाई कर्मियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए हर संभव सहयोग की बात कही। इस अवसर पर नगर परिषद बाड़मेर आयुक्त विजय प्रताप सिंह सहित नगर परिषद के कर्मचारी, सफाई कर्मी एवं सफाई संगठन व वाल्मीकि समाज से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे।